एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज हम इस वीडियो में शेप्स और कलर्स के बारे में जानेंगे। इंतजार किस बात की, चलो शुरू करते हैं। ड्राइंग डिफरेंट शेप्स। एमएस पेंट में रेडीमेड शेप्स हैं, जिसकी हेल्प से हम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। होम टैब के शेप्स ग्रुप में हैं। होम टैब, शेप्स ग्रुप, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं। इनमें से एक शेप सेलेक्ट करते हैं और ड्राइंग एरिया में पॉइंटर को ट्रैक करते हैं। ऐसे ही दो तीन शेप्स ड्रॉ करते हैं। अब हम इन शेप्स को कलर से फिल करना सीखते हैं। हाउ टू फिल इमेज विद कलर्स बाय यूजिंग पेंट बकेट टूल। इस टूल की मदद से हम अपने इमेज को एक से ज्यादा कलर फिल कर सकते हैं। ये होम टैब के टूल्स ग्रुप में है। होम टैब, टूल्स ग्रुप, क्लिक ऑन फिल विद कलर, कलर वन फोरग्राउंड कलर के लिए और कलर टू बैकग्राउंड कलर के लिए। अब हम कलर वन से एक कलर पिक करते हैं। क्लिक इनसाइड द एरिया जहां हम कलर करना चाहते हैं। इस ऑब्जेक्ट को दूसरे कलर से फिल करते हैं। गो टू कलर्स, क्लिक ऑन एडिट कलर, पिक वन कलर। इनमें बहुत सारे कलर्स हैं। फाइनली वी सेलेक्ट वन कलर एंड क्लिक ऑन ओके एंड फिल द ऑब्जेक्ट। कलर पिकर टूल। इस टूल से हम पिक्चर के कलर कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। ये होम टैब के टूल्स ग्रुप में है। पहले वाले ऑब्जेक्ट का ऑरेंज कलर इस ऑब्जेक्ट में फिल करना चाहती हूँ। गो टू होम टैब, टूल्स ग्रुप, क्लिक ऑन कलर पिकर, क्लिक ऑन ऑरेंज कलर। कलर वन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया और फिल द ऑब्जेक्ट। मैं चाहती हूँ कि आउटलाइन कलर और शेप कलर सेम हो। उसके लिए गो टू शेप्स ग्रुप, सेलेक्ट वन शेप, सेलेक्ट वन आउटलाइन, सॉलिड कलर एंड गो टू फिल सॉलिड कलर। साइज सेलेक्ट करते हैं। कलर वन एक कलर पिक करते हैं और कलर टू सेम कलर पिक करते हैं और ड्रॉ करते हैं। अब इस शेप का कलर और आउटलाइन कलर दोनों ही सेम है। अब मैं चाहती हूँ कि आउटलाइन कलर और शेप कलर दोनों ही डिफरेंट हो। गो टू शेप, सेलेक्ट वन शेप, क्लिक ऑन आउटलाइन। इसमें से एक आउटलाइन सेलेक्ट करते हैं, ऑयल। अब फिल क्रेयॉन,
साइज एक सेलेक्ट करते हैं। कलर वन एक कलर पिक करते हैं डार्क ब्लू। कलर टू दूसरे कलर सेलेक्ट करते हैं और ड्रॉ करते हैं। ये बन गया आउटलाइन और शेप। कलर दोनों ही डिफरेंट हैं। अब इस बैकग्राउंड को कलर करते हैं। गो टू टूल्स ग्रुप, क्लिक ऑन फिल विद कलर, क्लिक ऑन कलर टू, सेलेक्ट वन कलर एंड क्लिक ऑन राइट बटन ऑफ द माउस। अब हम इसे अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। गो टू पेंट, क्लिक ऑन पेंट बटन एंड क्लिक ऑन सेव। फाइल नेम टाइप करते हैं शेप एंड क्लिक ऑन सेव। अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो पर मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, बाय। इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।